नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। सिंगरौली जिले के मोरवा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दो टुकड़ों में मिली विनोद बिहार की अंधी हत्या का खुलासा किया। मामला जगमोरवा के गेहूं के खेत में दो टुकड़ों में पड़ी अज्ञात लाश को देखकर सबसे पहले पुलिस ने उसकी पहचान विनोद बिहार पिता मुसई बिहार उम्र 27 वर्ष निवासी जगमोरवा के रूप में शिनाख्त की है। आरोपी खैरुल निशा पति साबिर मोहम्मद उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 3 जगमोरवा एवं मोहम्मद नसीम आलम पिता मोहम्मद जलील आलम उम्र 45 वर्ष निवासी फुसरो थाना फुसरो जिला बोकारो झारखंड हाल का पता मेन रोड डायमंड पेट्रोल पंप के सामने संजय डेंटर गैरेज थाना मोरवा का होना बताया है। घटना में उपयोग की गई कुल्हाड़ी एवं मारिक को जब्त कर रिमांड में लिया गया है। उपरोक्त अज्ञात लाश की पहचान से लेकर आरोपियों की पहचान तक और उनकी गिरफ्तारी स्वयं पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह के निर्देशन पर एएसपी सिंगरौली अनिल सोनकर एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी एवं थाना मोरवा के उपनिरीक्षक रूपा अग्निहोत्री विजय पुष्पकार सहायक ने उपनिरीक्षक सतीश दीक्षित अरविंद चतुर्वेदी संतोष सिंह राजकुमार दुबे डीएन सिंह प्रधान आरक्षक संजय सिंह परिहार पतरंग सिंह सुखलाल सेन आरक्षक नीरज यादव राहुल साहू सुबोध तोमर सुनील मिश्रा महिला आरक्षक पूजा ज्योति एवं साइबर सेल से आरक्षक सवाल वर्मा दीपक परस्ते FSL टीम बैढ़न मौजूद रहे। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस जिला ब्यूरो राजेश वर्मा की रिपोर्ट। अब आशा फोटो खींचो पास से इसको छोड़ दो ऊपर।